गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के लिए जो टॉपिक स्टडी करेंगे एडमिशन चैप्टर में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, इससे पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम लोग निकाले वो स्टडी हमने कर लिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करें मैंने कर लिया है, पिछले क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए एनसीईआरटी के। प्रयास करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जो एडमिशन चैप्टर में जो सिलेबस में थोड़ी सी कमी की गई है वो कैपिटल एडजस्टमेंट है, जो लास्ट का टॉपिक हमारा है बस वो हटाया गया है, ठीक है। और लगभग सारी चीजें हैं एडमिशन में और कोई भी चीजें चेंज नहीं की गई है। तो इस बार जो सिलेबस में थोड़ा सा कर्टेल किया गया है वो कैपिटल एडजस्टमेंट किया गया है, एडमिशन में भी रिटायरमेंट में भी। ओके, फिर जो इससे चैप्टर आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए बात करते हैं। आज बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके कॉन्सेप्ट को पहले आज समझेंगे, क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए जरा ध्यान से, आज हम लोग टॉपिक कौन सा स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर भी लिख सकते हैं या यहां पे न्यू पार्टनर भी लिख सकते हैं, न्यू पार्टनर ही लिख दीजिए जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब किसी भी पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन होता है तो इसका गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। देखो बेटा, जब किसी भी पार्टनर का न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो इसके गुडविल को ट्रीटमेंट को थ्री केसेस में बांटा है, थ्री सिचुएशंस में बांटा गया हुआ है। चलिए देखते हैं वो सिचुएशंस हमारे क्या है। नंबर वन, व्हेन, ध्यान से देखेंगे एकदम, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रैकेट में प्रीमियम कर दीजिए, प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। मैंने कहा कि जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कहते हैं तो तीन केसेस हमारे पास हैं। नंबर वन केस इज द व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। ओके, नंबर टू देखते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, ध्यान देखते जाइए, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल ब्रैकेट में प्रीमियम कर दीजिए शेयर ऑफ गुडविल
इन कैश। देखते जाइए नंबर टू केस क्या हुआ। When the new partner brings his share of goodwill premium in cash, okay? Third देखिए, when the new partner does not bring its share of goodwill bracket में premium कर दीजिए in cash। देखिए ध्यान से, when the new partner does not bring his share of goodwill premium in cash, ये तीन केस है हमारे पास। जब भी हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात करेंगे, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। अब ये सारे केसेस में देखना है कि क्वेश्चंस में अगर इस तरीके का केस होता है तो हमें करना क्या है। सबसे फर्स्ट क्या है, when the amount of goodwill प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। क्या मतलब हुआ, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली दैट मींस कि जो पार्टनर होता है वो खुद ब खुद क्या करेगा, खुद ब खुद क्या करेगा, उसका पेमेंट कर देगा। नंबर टू, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, ये पेमेंट कैसे होगा, कैश में। और थर्ड क्या कहता है कि कैश में नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग हर सिचुएशन की बात करेंगे और हर सिचुएशन पे डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, पहला जो केस है ध्यान से देखिएगा, केस नंबर वन, when the amount of goodwill premium is paid privately, that means what? अगर प्राइवेटली इसका पेमेंट किया जाता है तो बिजनेस में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती एंट्री बिजनेस में, न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस। इसी वजह से इस केस में इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। ठीक है, तो जैसे ही केस आ जाए प्राइवेटली का तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। लेकिन आज हम लोग सेकेंड टॉपिक को स्टडी करेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। इस टॉपिक में आपको ध्यान से सेकेंड केस को स्टडी करना होगा। चलिए बात करते हैं सेकेंड केस। देखिए ध्यान से, केस टू में जो पहला केस बनता है, मैंने क्या बोला आपको, केस टू क्या कह रहा है, केस टू कहता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर ऐसा केस होगा तो इसमें सबसे पहला जो केस होता है उसको ध्यान से देखिएगा, when the amount of goodwill, when the amount of goodwill brought in by the new partner, when the amount of goodwill brought in by the new partner is retained in the
बिजनेस। देखिए ध्यान से, पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर रिटेन इन द बिजनेस। कहने का क्या मतलब, जो प्रीमियम और गुडविल का पैसा जो आएगा वो पैसा कहां पे रहेगा, वो पैसा बिजनेस में ही रिटेन कर जाएगा, ठीक है ना, वो पैसा कोई भी पार्टनर उसको नहीं लेगा। ऐसा केस अगर बनता है तो ऐसे केस में जो पहली एंट्री हम लोग पास करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो पहली एंट्री जो पास होगी, फॉर्म में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, अगर रिटेन का केस आ जाए, इस वर्ड को याद रखिएगा, अगर रिटेन का केस आ जाए तो पहली एंट्री क्या पास होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा ध्यान से देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, ये जो ओल्ड पार्टनर में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन से रेशियो में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, बात समझ गए। तो मैंने क्या कहा कि अगर रिटेन का केस आ जाए तो रिटेन के केस में क्या करेंगे, पहली एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अपनी बैंक चेक में होगा तो बैंक लेंगे और कैश लेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमारा कौन सा केस है, केस नंबर वन, किसमें, जब न्यू पार्टनर brings his share of goodwill premium in cash का एक केस नंबर वन। चलिए अब देखते हैं केस नंबर टू, केस नंबर टू देखते हैं। When goodwill premium याद से देखते जाइए, brought in by the new partner is withdrawn by the old partner। ध्यान से देखिए क्या लिखता है, क्या कह रहा है केस, when goodwill premium brought in by the new partner, जब वो पैसा लेकर के नया पार्टनर आएगा तो उसको क्या करेगा, withdrawn by the old partner, अब रिटर्न नहीं करेगा बिजनेस में, अब क्या करेगा वो पार्ट, जो ओल्ड पार्टनर है उस पैसे को क्या करेगा, ले लेगा। ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल एंट्री पास करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ओके, अब किस रेशियो में पास होगा, हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आज पहले आप इतना स्टडी कीजिए आज के वीडियो में, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, देन फिर हम लोग आगे देखते हैं। आज के लिए थैंक यू।